हेलो एवरीबॉडी सो टूडे लेक्चर इज़ अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग व्हील या फिर रोटेटिंग डिस्क ये जो आपके पास टॉपिक है ये आपको एग्जांपल्स में एनसीईआरटी की जो एग्जांपल्स है उसमें एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर एज अ टॉपिक बना दिया सो नाउ दिस इज़ योर दो केसेस होते हैं जब आपका इंड्यूस्ड ई आपको किस में देखनी है एक रोटेटिंग कैसा है व्हील है जैसे साइकिल का पहिया होता है व्हील होता है उसमें क्या होगा कि बहुत सारे नंबर में लार्ज नंबर ऑफ आपकी जो रॉड्स है वो इस तरह से लगी है जो आपको ये ब्लू ब्लू से दिखाई दे रहा है ये क्या है लार्ज नंबर ऑफ क्या है इसमें रॉड्स है जो इस तरह से लगी हुई है तो ये रोटेटिंग व्हील है तो हमें देखना है कि इसमें जो इंड्यूस्ड ई है वो कितना आएगा एंड दूसरे केस में एक रोटेटिंग डिस्क है डिस्क का मतलब क्या होता है डिस्क का मतलब जो बिल्कुल ही सॉलिड होता है ठीक है सॉलिड डिस्क है उसकी वजह से आपकी इंड्यूस्ड ई कितनी आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है सो यहाँ पर सबसे पहले रोटेटिंग व्हील में कंसिडर अ रोटेटिंग व्हील विच हैज मैनी नंबर ऑफ ऑफ़ मेटालिक वायर्स या इन्हें आप वायर्स कह सकते हो स्ट्रिंग कह सकते हो या फिर आप रॉड कह सकते हो इन्हें ओके बहुत सारी नंबर ऑफ रॉड्स हैं जो कि आपस में इस तरह से लगी हुई है इन मैग्नेटिक फील्ड और सपोज करिए ये जो आपका रोटेटिंग व्हील है उसे हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया सपोज कर लीजिए कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपकी तरफ आ रही है डॉट से रिप्रेजेंट करी गई है सो so, सपोज अगर ये रोटेट कर रही है विथ विद वॉट एंगुलर विलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में सपोज़ इस डायरेक्शन में आगे को बढ़ रही है ये राइट अगर हम यहाँ पर एक रॉड को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक रॉड की वजह से जो इंड्यूस्ड ई है वो कितनी आएगी इससे पहले आपने रोटेटिंग जो आपका सर्कल में जो आप रॉड रखते हो उसका केस आपने कर लिया है उसमें इंड्यूस्ड ई भी आप निकाल चुके हो वैसे ही होगा बेसिकली क्या हो रहा है सिंस व्हील इज रोटेटिंग ओके विद द ओमेगा विलोसिटी ईच रॉड विल इंड्यूस्ड ई एम एफ बात है इतने नंबर ऑफ रॉड्स आपकी लगी है और आपकी वो रोटेट कर रही है और रोटेट करी है किसमें इन द मैग्नेटिक्डों से काटती हुई चली जा रही है तो ऑब्वियसली हर एक रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अगर काटती हुई चली जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि उसमें खुद में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी एंड इंड्यूस्ड करंट आएगा तो वही बात यहां पर करी गई है ईच रॉड विल बिहेव लाइक सेल कैसे हुआ सपोज़ करिए एक हमने इतनी सारी रॉड में से सपोज़ करिए ये वाली हमने रॉड यहाँ पर ले ली सपोज़ करिए इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे आ जाती है हमने सपोज़ कर दिया इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे आती है किसी की इसमें उल्टी भी आ सकती है ठीक है सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर यह लिया है अगर इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसी आ रही है तो आपको पता है कि जो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल है यानी कि ये जो आपका होगा वो बैटरी की तरह एग्जिस्ट करेगा सेल की तरह एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से क्या होता है करंट निकलता है नेगेटिव में करंट आपका आता है और राइट तो यहाँ पर जिस एंड पे जिस एंड से आपका जो करंट है वो बाहर को निकल रहा है दैट वुड बी योर हाई पोटेंशियल एंड और जिस एंड पे जो करंट है वो आपका अंदर को आ रहा है एंटर कर रहा है दैट वुड बी योर लो पोटेंशियल एंड और राइट तो देखा जाए कि ईच जो यहाँ पर ईच ये इतने सारे जो रॉड्स लगी हुई है वो आफ्टर रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो एक सेल की तरह सभी जो है वो सेल की तरह बिहेव करेगी तो हमने बोला है बेसिकली ईच रॉड विल बिहेव लाइक सेल्स राइट ऑल ऑल्सो हेयर रॉड्स आर कनेक्टिंग इन पैरल फैशन तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मान लीजिए ये वाली रॉड है ये रॉड है इतनी सारी जो सभी ये वाली रॉड है एंड नंबर ऑफ रॉड्स तो ये आपस में कैसे कनेक्ट है हर एक के एंड देखो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड जो वाल, left वाला लेफ्ट वाला एंड है वो यहाँ पे देखो वो इस साइड को है अटैच्ड इस वाले से ओके और राइट right वाला है इसके आउटर वाले कोने से अटैच्ड और जो दूसरा वाला आपकी रॉड है वो वाला भी एक एंड आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पर है एक ही वाले ये छोटे वाले सर्कल से है एंड और यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला सिरा है वो बाहर की तरफ अटैच्ड है तो आप देख सकते हो ये वाले सारे जो रॉड्स है वो किस तरह से एक्ट कर रही है इस तरह से एक्ट कर रही है जब हम जो सेल्स है उसको पैलल में लगाते सेल्स जब पैल में लगाते तो क्या होता है अगर ये सेल है ये सेल है ये सेल है सभी पैलल में लगे हैं क्यों क्योंकि जो इसके जो पॉजिटिव वाले एंड है वो साथ में क्या है एक जगह पर कनेक्ट हो रहे हैं जो आपके नेगेटिव वाले एंड है वो साथ में एक जगह पर कनेक्ट हो रहे हैं इसी तरह से आपके जो राइट साइड को सभी के एंड है वो सारे क्या है व्हील के आउटर पोर्शन में कनेक्ट हो रहे हैं और अंदर क्या है जो लेफ्ट वाले ये वाले एंड है अंदर वाले एंड है वो अंदर वाले व्हील में कनेक्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स आप क्या बोलोगे कि हेयर रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैलल फ़ैशन इस तरह से लगेगा कि जो रॉड है वो पैलल फ़ैशन में क्योंकि रॉड क्या बिहेव कर रही है सेल की तरह सेल पैल फ़ैशन में लगते हैं तो क्या होता है पहले कॉम्बिनेशन में अगर सेल्स की आपको याद हो तो पहले कॉम्बिनेशन में सेल्स की जो पोटेंशियल होता था यानी कि ई एम एफ हम बोलेंगे वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता था यानी कि अगर ई एम एफ एक सेल में यहाँ पर ई e है तो उसमें दूसरे में भी ई e और जितने भी एन नंबर ऑफ सेल्स हैं उसमें ई e रहेगा सो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अगर हैंस व सेम ई एम एफ हमने पीछे वाले लेक्चर में निकाला था एक रॉड की वजह से अगर वो रोटेट कर रहा है इस तरह से सर्क्यूलर मोशन में तो उसकी वजह से एक जो आपका रॉड है उसकी वजह से इंड्यूस ई एम एफ कितनी आती थी वही इंड्यूस ई एम एफ जो आएगी वो इसकी भी, इसकी भी होगी इसकी भी होगी इसकी भी होगी इसका मतलब पूरा जो आपका ये है रोटेटिंग व्हील वो एक ही ई एम एफ इंड्यूस करेगा वो क्या है दैट इज इक्वल टू जो ईच की ई एम एफ आपकी आएगी दैट इज ई इक्वल टू कितना एल स्क्वायर और ओमेगा यानी कि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टू दैट मींस आपका जो आपका जो रोटेटिंग व्हील है वो ईएमएफ इतने से रोटेट कर रहा है आपका यानी कि इतना ईएमएफ वो इंड्यूस कर रहा है ऑलराइट राइट right? तो आपका जो रोटेटिंग व्हील है उसने इंड्यूस ईएमएफ इतना करा तो करंट भी आप निकाल सकते हो डिवाइडेड बाय आप आर कर सकते हो ऑलराइट सिमिलरली right? हम क्या देखेंगे जो रोटेटिंग डिस्क है डिस्क में अब क्या हो जाएगा डिस्क यानी कि अब इसमें क्या हो जाएगा अब ये डिस्क कैसे बनी है इसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ़ रॉड्स लगी होगी ओके इन्फानाइट नंबर ऑफ रॉड्स लगी होगी तभी तो आपका डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है बिल्कुल ये सॉलिड एक डिस्क की तरह इमेजिन करो इसमें तो ऑब्वियस बात है जब आपको गैप नहीं दिखाई दे रहा दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो आपकी रॉड्स होगी वो आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होगी तो कंसिडर और रोटेटिंग सॉलिड डिस्क रोटेटिंग विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड डिस्क विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स ओके तभी तो सॉलिड बनाइए जो कि बहुत क्लोजली पैक हुई होगी तभी तो सॉलिड बना कोई सेपरेशन नहीं है हेस इट विल इंड्यूस्ड ई एंड करांट एंड इट्स लाइक इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स आर ज्वाइंट इन द पैनल अब क्या होगा जो आपने रोटेटिंग व्हील का केस कराया इसमें तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ़ रॉड्स थी जिन्हें कि लगाया था ठीक है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रॉड्स थी अगर इमेजिन करेगी इसी रॉड में हम बिल्कुल इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स लगाए और बिल्कुल इनको क्लोजली पैक कर दें तो ये क्या डिस्क नहीं बन जाएगी तो जिस जिस तरह इस केस में भी जो रॉड्स थी आपकी वो कैसी है पैल सेल की तरह आ, की तरह हमें लग रही है उसी तरह से इसमें भी क्या होगा जो इन्फानाइट आपकी रॉड्स है जो कि हमें दिख नहीं रही वो भी क्या होगी वो भी आपकी सेल की तरह पैल में होगी और यानी कि हर एक जो रॉड होगी उसका ई वही आएगा जो ऊपर का आएगा दैट मीन्स इसके केस में भी ईच रॉड हैज सेम ई एम एफ जो इंड्यूस्ड ई इन आपकी रोटेटिंग डिस्क होगी वो भी आपकी उतनी ही होगी जितनी आपकी व्हील में आई थी दैट इज ई एम